बॉलीवुड फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और जब भी कुछ बोलते हैं तो बवाल ही हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर वुमेन को विश करते हुए रामू ऐसा कुछ बोल गए कि उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई। आपको बता दें कि रामू ने वुमेन्स डे पर ट्वीट करते हुए सभी महिलाओं को सनी लियोनी बनने की सलाह दे डाली और लिखा कि सभी महिलाओं को पुरुषों को उतनी खुशी देनी चाहिए जितनी सनी लियोनी देती हैं। इस पर गोवा की एक वुमेन वॉलंटियर ने रामगोपाल वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज होने के बाद भी रामू ट्वीट करने से बाज नहीं आए और लगातार ट्वीट करते हुए लिखा कि वुमेन्स डे की तरह वुमेन्स नाइट भी होनी चाहिए, साथ ही वुमेन्स डे को मेन्स डे कहना चाहिए क्योंकि पुरुष महिलाओं को इतना सेलिब्रेट करते हैं जितना महिलाएं महिलाओं को सेलिब्रेट नहीं करती। इतना लिखकर भी रामू रुके नहीं, उन्होंने और भी ट्वीट्स करते हुए महिला दिवस को पुरुषों का दिन बताया। उन्होंने ये भी लिखा कि महिलाओं को कम से कम आज के दिन झुंझलाना और चीखना नहीं चाहिए, वो पुरुषों को थोड़ी आज़ादी दें। रामगोपाल वर्मा के इस ट्वीट के बाद लोगों ने ट्विटर पर जमकर उन पर गुस्सा निकाला। लोगों की प्रतिक्रिया पर उन्हें अपने ट्वीट पर सफाई देनी पड़ी। बाद में उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मेरे ट्वीट के बारे में बहुत सी गलत बातें कही जा रही हैं, जो हिपोक्रेसी को दिखाता है। रामू ने सफाई देते हुए कहा कि सनी के पास दूसरी महिलाओं से ज्यादा ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट है। विवादों में घिरने के बाद रामू ने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हुए ट्वीट किया कि उनका पूरा परिवार ये जानता है कि वो सनी लियोनी की रिस्पेक्ट करते हैं और आखिर में ट्वीट करते हुए नॉर्मली वुमेन्स डे विश कर दिया। हम तो इतना ही कहेंगे कि रामू अगर आपको वुमेन्स डे विश ही करना था तो पहले ही सीधे सीधे कर देते जैसे अभी किया है। फालतू में सनी को इन्वॉल्व करके इतनी मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत थी। बता दें कि राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार 3 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमित साध और यामी गौतम नजर आएंगे।